हर छोटे सितारे की चाहत होती है कि वो बड़े पर्दे पर झिलमिलाए, और फिर अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब बड़े बड़े सितारे छोटे पर्दे की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस जयप्रदा ने छोटे पर्दे का रुख किया है टीवी शो परफेक्ट पति से। लेकिन जयप्रदा ही एकमात्र ऐसी हीरोइन नहीं है जो टीवी पर नजर आ रही हैं। इनसे पहले बीते जमाने के कई बॉलीवुड ड्रीम गर्ल्स टीवी शोज में दिख चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो तनुजा। तनुजा ने हिंदी सिनेमा में हमारी बेटी से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना सफर शुरू किया था, जिसमें वो बड़ी बहन नूतन के साथ नजर आई थी। छोटे पर्दे पर तनुजा ने अपनी पारी एपिक ड्रामा आरंभ से शुरू की। शबाना आजमी। वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी हिंदी सिनेमा की जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने पैरलर और मुख्यधारा के सिनेमा में अपनी अदाकारी के स्किल्स दिखाए। छोटे पर्दे पर शबाना की पारी अनिल कपूर के सस्पेंस थ्रिलर शो 24 से शुरू हुई। अनीता राज। 70 और 80 के दशक के चर्चित अभिनेता जगदीश राज की बेटी अनीता राज ने बॉलीवुड में अपनी पारी प्रेम गीत से शुरू की थी। अनीता ने दूरदर्शन के शो माया से अपना टीवी डेब्यू किया। इसके बाद साल 2001 में ईना मीना डी का और उसके बाद तुम्हारी पाखी, एक था राजा एक थी रानी और 24 में भी अनीता राज इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हुए नजर आ चुकी है। सारिका। वेटरन एक्टर कमल हसन की पत्नी रही सारिका ठाकुर ने सिनेमा में अपना करियर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही शुरू किया था। आपको बता दें कि सारिका ने अपना टीवी डेब्यू अमिताभ बच्चन के शो युद्ध से किया। श्रीदेवी। भारतीय सिनेमा में अहम स्थान रखने वाली श्रीदेवी भी टीवी की दुनिया में अपना जलवा दिखा चुकी हैं। टीवी शो मालिनी अय्यर में श्रीदेवी ने लीड रोल निभाया था। करिश्मा कपूर। बहुत कम लोगों को याद होगा कि कपूर गर्ल करिश्मा कपूर भी फिल्मों के बाद छोटे पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी हैं। साल 2003 में करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा ने दादी और पोती का डबल रोल प्ले किया था। सोनाली बेंद्रे। अमेरिका में आजकल कैंसर का इलाज करवा रही सोनाली बेंद्रे ने अजीब दास्तां है ये में शोभा सचदेव नाम की लड़की का किरदार निभाया था। ये सीरीज अक्टूबर 2014 में टेलीकास्ट हुई थी। इसके अलावा टैलेंट शोज को सोनाली जज करती रही हैं।